बेटा अक्सर आपने ये देखा होगा कि तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो अकेले होते हैं, मतलब उनकी न बहनें होती हैं न भाई होते हैं, एक ही संतान माँ बाप को होती है। तो आपके मन में कभी कभी ये बात होती होगी यार हम सगे भाई, दो भाई, तीन भाई हैं, बहनें हैं हमारी, लेकिन ये एक ही क्यों बेबी है। अगर आपके मन में ये बात क्लास इलेवेंथ में आ जाती है तो आप इसका मतलब पक्का बायो की स्टूडेंट है, मतलब ये फिक्स हो गई, मोहर लग गई कि आप 24 कैरेट सोना नहीं है, 24 कैरेट बायो के आप जो है स्टूडेंट है। तो अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें कि किसी माँ बाप को एक ही संतान क्यों होती है, तो उसका कारण भी कौन है, ब्लड ग्रुप है। अगर किसी माँ बाप को एक ही बच्चा है तो उसका कारण कौन है, ब्लड ग्रुप है। कैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कैसे है ये हम लोग सीखते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले आरएच एंटीजन बताया कि आरएच एंटीजन जो है तीसरा एंटीजन है जिसे जो है फिलिप वीनर ने खोजा था लेड डिस्टिनर के साथ, बाद में उसको उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो देखिए कैसे आरएच एंटीजन के कारण किसी माँ बाप को एक ही संतान होती है। मतलब अगर आप क्लास इलेवंथ में शादी के लिए सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार बस जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार बस जाए शादी के लिए सोच रहे हैं, तो आप सीबी में आरएच एंटीजन को भी जरूर देखें कि जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है वो आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। अगर आप आरएच पॉजिटिव है वो आरएच नेगेटिव है तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि आपको शादी करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए देखा जाए तो अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस देखा जाए तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक एंटीजन को बताया था कि ये आरएच एंटीजन है, ये तीसरा एंटीजन है जिसको बाद में खोजा गया था, डिस्कवर्ड बाई, नाम लिख लिया जाए क्योंकि आपको भूलने की आदत है इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए डिस्कवर्ड बाई, ये साइंटिस्ट हैं, ये कार्ल लैंडस्टीनर नाम है इनका, डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्टीनर एंड एक साइंटिस्ट है उनका नाम फिलिप वीनर है, एंड ये देखिए साइंटिस्ट है जिनका नाम फिलिप वीनर है, ये दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम फिलिप वीनर है। इन लोगों ने सबसे पहले इस एंटीजन को डिस्कवर किया। एंटीजन का नाम क्या है, आरएच एंटीजन। कहां डिस्कवर किया, इन पूरी बात लिखेंगे शायद आपको ज्यादा अच्छी जानकारी होगी, इन आरबीसी ऑफ मकाका रिसस मंकी, मतलब ये एक खास तरह का बंदर है जिसमें इन लोगों ने सबसे पहले इसकी आरबीसी की सरफेस पे एक नया एंटीजन डिस्कवर किया। पहले दो एंटीजन थे ए और बी, और तीसरा एंटीजन हो गया जिसे हम लोग आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर कहते हैं। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि आरएच एंटीजन कहां कहां पाया जाता है, आप कहेंगे सर आरएच एंटीजन केवल दो जगह पाया जाता है। कहां कहां पे आरएच एंटीजन पाया जाता है, एक तो रिसेस मंकी की सरफेस ऑफ आरबीसी पे, ये देखिए रिसेस मंकी के सरफेस ऑफ आरबीसी पाया जाता है, दूसरा ह्यूमन के आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। ये देखिए दो जगह ये पाया जाता है। इस आधार पर अगर आप देखिए तो दो तरह के लोग हैं, एक लोग हैं जिन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं। ये देखिए आरएच पॉजिटिव जो होते हैं ये डोमिनेंट होता है। अच्छा, इसका जो क्रोमोसोम है, अगर आपसे कोई पूछे किस क्रोमोसोम नंबर पर इसका जीन पड़ा है, तो आप कह दीजिए सर इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है, जैसे आप नंबर वन है ऐसे क्रोमोसोम भी नंबर वन है। आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट है, इसका मतलब आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन कहां से बेटा, सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरएच एंटीजन है वो आरबीसी की सरफेस पर पड़ा हुआ है, ये पहला हुआ। दूसरा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे आरएच नेगेटिव, तो ये कहेंगे आप सर ये रिसेसिव करेक्टर है। कैसा करेक्टर है, रिसेसिव है, क्योंकि एक ही चीज इनके दो पार्ट है। तो आप कहेंगे क्या कि ऐसे व्यक्ति में आरएच एंटीजन अब्सेंट होता है उनकी आरबीसी की सरफेस पर। इस तरह से अगर आप देखें आरएच एंटीजन इज अब्सेंट होता है, इस आधार पे मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो आठ तरह का ब्लड ग्रुप होता है। इस आधार पे ब्लड ग्रुप कितने तरह का हो गया, आठ तरह का। ए भी एक बार आप क्लियर कर लें, ब्लड ग्रुप हो गया आठ तरह का, हुआ ए नेगेटिव, इधर हुआ ए पॉजिटिव, इसके पास आरएच एंटीजन, इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, जिसके पास एंटीजन उसके पास एंटीबॉडी नहीं आरएच एंटीबॉडी, जिसके पास एंटीजन नहीं है उसके पास एंटीबॉडी है। इस तरह से आप देखिए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए भी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव।
ये चार आठ तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। अगर आपसे मैं पूछे इसमें कौन यूनिवर्सल डोनर है, तो आप कहेंगे सर ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछू कौन ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, तो आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सल रिसीवर है क्योंकि इसकी इसके ब्लड के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इस तरह से ये बातें हो गई, ये इसकी बेसिक बात है। अब हमने आपको ऊपर लिखा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का रिस्पेक्ट क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस देखिए तो अपने आप पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर मेल और फीमेल है, इनकी शादियां होती हैं, जैसे आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं ना अभी मत सोचिए, पहले एमबीबीएस के बारे में सोचिए। एमबीबीएस हो जाएगा तब सोचिएगा, पहले ये तो मामला क्लियर हो। तो अगर आप मेल फीमेल देख रहे हैं, अगर मेल आरएस पॉजिटिव है, ये देखिए, या ऐसे आप देख लीजिए, मेल अगर आरएस नेगेटिव है और फीमेल आरएस पॉजिटिव है, तो इनकी संतानें क्या होंगी? इनकी जो संतान होगी वो आरएस पॉजिटिव होगी। बोलिए हाँ, ये जो इसकी एफ वन ऑफ स्प्रिंग्स होगी, तो बताइए आरएच पॉजिटिव किसके यूटरस में सरवाइव करेगा? उसके यूटरस में सरवाइव करेगा जो आरएच पॉजिटिव है। तो इस ब्लड इस मैरिज में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पहली कंडीशन है। ये देखिए, ये पहली शादी है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मेल आरएच निगेटिव है, फीमेल आरएच पॉजिटिव है, संतानें क्या होंगी? आरएच पॉजिटिव, क्योंकि आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट होता है। इस चक्कर में आरएच पॉजिटिव संतानें आरएच पॉजिटिव मदर के यूटरस में सरवाइव करेंगी। आरएच पॉजिटिव मतलब मदर के पास और बच्चे के पास दोनों के पास एंटीजन है, लेकिन दोनों के पास एंटीबॉडी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास आरएच एंटीबॉडी है, इसके पास आरएच एंटीबॉडी है, जबकि दोनों के पास जो है आरएच एंटीजन दोनों के पास है। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये पहला केस है। केस नंबर टू ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरा केस ये है कि अगर आरएस पॉजिटिव मेल हो, ये देखिए आरएस पॉजिटिव मेल हो और आरएस नेगेटिव फीमेल हो, ये देखिए दूसरा केस आरएस नेगेटिव फीमेल हो, तो क्या होगा? अगर इनकी शादियां होती हैं तो इससे जो संतान पैदा होती है वो आरएस पॉजिटिव होती है, ऑफ स्प्रिंग्स जो होती है, या इनके जो बच्चे होते हैं वो आरएस पॉजिटिव होते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसके सरफेस पे क्या है, आप कहेंगे सर एंटीजन है। इसके ब्लड के प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी है। कौन सी एंटीबॉडी है? एंटी आरएच एंटीबॉडीज है। फिर से आप समझ लें, बच्चे की आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन है, माँ की आरबीसी की सरफेस पे माँ के ब्लड के प्लाज्मा में आरएच एंटीबॉडी है। या अगर इसी फिगर को लोग ऐसे बना ले तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ऐसे आप एक फिगर बना लें तो शायद आपको तेजी से बात समझ में आएगी। ये माँ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये देखिए ये माँ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस माँ के अंदर जो बेबी सरवाइव कर रहा है वो ये वाला बेबी है, ये बेबी है जिसका ब्लड ग्रुप आरएस पॉजिटिव है। तो आरएस पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर आरएस पॉजिटिव मतलब ये हुआ कि इस बच्चे की आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन है। इस मदर, ये जो इसकी मदर है जिससे ये बच्चा जुड़ा हुआ है, ये जो मदर है ये आरएच निगेटिव है, मतलब इसके पास एंटीबॉडी है। और ये जो कनेक्शन है इसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, माँ और इसके बीच में कनेक्शन है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो अगर आप देखिए तो बच्चे के पास एंटीजन है, माँ के पास एंटीबॉडी है। फिर से समझ लें, बच्चे के पास एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है? आरएच एंटीजन है। माँ के पास कौन सी बॉडी है? एंटी आरएच एंटीबॉडीज है। तो होगा क्या कि जब फर्स्ट डिलीवरी के दौरान, अगर फर्स्ट डिलीवरी हो रही है, फर्स्ट डिलीवरी जो होगी नॉर्मल होगी। फर्स्ट डिलीवरी क्या होगी? नॉर्मल होगी। कैसे नॉर्मल होगी? मतलब एक बेबी उसको पैदा हो जाएगा। कैसे पैदा हो जाएगा? देखिए, 9 महीने तक ये आरएच एंटीजन वाला बच्चा माँ के बॉडी में रहेगा, ये एंटीबॉडीज जो है एक्टिव नहीं होगी। एंटीबॉडीज कब एक्टिव होती है? जब वहां पर एंटीजन पहुंचता है। एंटीजन का मतलब ये है जो एंटीबॉडी को जनरेट कर दे। तो जब तक माँ और उसके बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होगा तब तक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जिस समय ये बेबी डिलीवर होने लगता है, ये देखिए जिस समय बच्चे की डिलीवरी होती है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जिस समय पार्चुरेशन होता है
जिस समय डिलीवरी होती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये देखिए ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जिस समय बच्चे की पार्चुरेशन माने बच्चे की डिलीवरी होती है, तो ये देखिए मदर एंड फीटल ब्लड मिक्सेस, मदर एंड फीटल ब्लड या एम्ब्रियोनिक ब्लड मिक्स हो जाता है, फीटल मिक्सेस, माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है, जैसे बच्चा जिस समय डिलीवरी होता है माँ बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है, तो अब क्या होगा बताइए। मैं अगर आपसे पूछे इस समय हुआ क्या, बच्ची की एंटीजन कहाँ जाएगी, माँ की एंटीबॉडी में जाएगी, माँ के ब्लड में जाएगी, मिक्स हो जाएगी, और इस तरह से देखिए एंटीबॉडी एंटी आर एच एंटीबॉडी जनरेट्स इन मदर ब्लड या मैटरनल ब्लड, ऐसे लिख सकते हैं, माँ के ब्लड में एंटी आर एच एंटीबॉडी जनरेट कर जाएगी मैटरनल ब्लड, और इसके जनरेट करने से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, जो माँ की बॉडी में सेल्स हैं वो सेल्स मेमोरी सेल्स हैं वो इसे याद कर लेंगे इनकाउंटर को। फिर समझ लें कि जब तक माँ और उसका बेबी आपस में कनेक्टेड है, जब तक ब्लड फ्यूज नहीं होगा, माँ की बॉडी से बच्चे की सेल्स आरबीसी की सेल्स माँ की बॉडी में इंटर नहीं करेंगी, ब्लड में फ्यूज नहीं करेंगी, तब तक माँ के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जिस समय डिलीवरी होती है उसमें माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे को चोट लग जाती है, इस चक्कर में बच्चे की आरबीसी माँ के ब्लड से मिक्स कर जाता है, मतलब बच्चे और माँ का ब्लड मिक्स हो जाता है, तो बच्चे की आरबीसी सरफेस पे क्या एंटीजन है, माँ की ब्लड के प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती है पहली पार्ट डिलीवरी में, लेकिन तब तक पहली जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो सेकेंड डिलीवरी है, मान लीजिए जो सेकेंड डिलीवरी है, जब सेकेंड प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, ये देखिए सेकेंड प्रेगनेंसी जब शुरू हो जाएगी उस समय क्या होगी, तो ये देखिए जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं बेटा, वो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, जो एंटीबॉडी एटीआरएच एंटीबॉडीज जो जनरेट होती हैं, वो एंटीबॉडीज आईजीजी ग्रुप की होती है। ये देखिए जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, मतलब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, फिर से ऐसे होगा, तो ये देखिए ये जो एंटीआरएच एंटीबॉडीज है, ये एंटीआरएच एंटीबॉडीज है किस ग्रुप की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, एंटीआरएच एंटीबॉडीज जो है ये आईजीजी ग्रुप की है, ये क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को, ये देखिए क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, ये देखिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है, ये आईजीजी क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल लीवर में पहुंचेंगी, कहां पर पहुंचेगी बेटा, फीटल लीवर में, और फीटल लीवर में जो आरबीसी है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करेंगी, आरबीसी का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो दो चीजें होंगी, बच्चे को पहले तो एनीमिया होगी, पहले क्या होगी एनीमिया होगी, एनीमिया के कारण बच्चे को जॉन्डिस होगी, बच्चा कहेंगे या फीटस कहेंगे, आप कहेंगे सर फीटस कहेंगे, ये सब किसके कारण हो रहा है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, पहले उसको एनीमिया हो रही है फिर जॉन्डिस हो रही है, और ऐसा अगर चलता रहा तो फाइनली बच्चे की जो है उस फीटस की डेथ हो जाएगी, किसी डेथ हो जाएगी फीटस की, ये फीटस जो है उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी में आईजीजी एंटीबॉडी बच्चे के ब्लड में इंटर करेंगे, इसके लीवर में जाके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करेंगे, बच्चा एनीमिया और जॉन्डिस से सफर करेगा, तो इसका मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी क्या होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चे की डेथ हो जाएगी, जब सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चे की डेथ हो जाएगी तो इसी डिजीज को, इसी प्रॉब्लम को हम लोग देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब हुआ कि आरबीसी के कारण फिटेलिस फीटस की डेथ हो जा रही है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये देखिए, तो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो सेकेंड प्रेगनेंसी है वो फीटस की डेथ हो जा रही है, क्यों डेथ हो जा रही है, ये एंटीबॉडीज इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के लीवर में जाके आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर रही हैं और बच्चे की डेथ हो जा रही है,
इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह के पेरेंट्स में जिनमें मेल आरएच पॉजिटिव है, फीमेल आरएच नेगेटिव है, इनकी संतानें आरएच पॉजिटिव होंगी, ऐसे फीमेल्स को, ऐसे पेरेंट्स को, कपल्स को हमेशा एक ही बेबी होगा। इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ये है कि जिस समय प्राइमरी होता है, जब ये प्राइमरी में रिस्पॉन्स आने वाले होते हैं, तो इसका एक इंजेक्शन आता है जिसको हम लोग रोगम कहते हैं। ये देखिए रोगम है, इस इंजेक्शन है, रोगम का इंजेक्शन है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे इसको लिखा होगा, ये रोगम इंजेक्शन है। ये रोगम इंजेक्शन क्या करता है, जो आरएच एंटीजन्स को किल कर देता है। किसकी बॉडी में किल कर देता है, मार देता है, किसकी बॉडी में, आरएच एंटीजन्स को किल कर देता है। किल्स इन मैटरनल ब्लड, एंटीजन्स जाते कहां से है, बच्चे की बॉडी से। तो जैसे ही एंटीजन्स बच्चे की बॉडी से मां की बॉडी में जाते हैं, उन एंटीजन्स को ये आरएच जो रोगम है ये एंटीजन मार देता है। इसका मतलब रोगम के पास है क्या, ये देखिए ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर रोगम के पास क्या है तो आप कहेंगे सर रोगम के पास प्रीफॉर्म्ड आरएच एंटीबॉडीज है। ये देखिए प्रीफॉर्म्ड आरएच एंटीबॉडीज है, इसका मतलब क्या हुआ, ये खास तरह का एक तरह के एंटीबॉडीज है, आरएच एंटीबॉडीज। जैसे ही पहली प्रेगनेंसी में ये एंटीजन्स माँ की बॉडी में जाते हैं, हम इसका इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो जो एंटीजन्स माँ की बॉडी में गए होते हैं बच्चे की बॉडी से, वो एंटीजन्स को ये रोगम इंजेक्शन थ्रू किल कर देता है। इस तरह से सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसा बिहेव करती है। तो एक तरह का डिसऑर्डर है, आपको सीखना है कि इस केस में ज्यादातर चांस ये है कि बच्चों कपल्स को कितने बेबी होंगे, सिंगल बेबी होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए ट्रीटमेंट क्या है, रोगम एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि प्री फॉर्म एंटी आरएच एंटीबॉडीज हम लोग माँ की बॉडी में बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद में इसके इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उस इंजेक्शन में है क्या, उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज है रोगम में। वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो एंटीजन्स जो बच्चे के ब्लड से माँ के ब्लड में पहले प्रेगनेंसी में गए हैं, उन एंटीजन्स को ये रोगम मार देगा। तो बताइए माँ की बॉडी को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा। तो जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी कैसे बिहेव करेगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी से बिहेव करेगी। आइए देखा जाए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फिनोमिना, हाउ मेनी फिनोमिना इज एक्सप्रेस्ड बाय ब्लड ग्रुप या एक्सप्लेन बाय ब्लड ग्रुप, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस्ड बाय ब्लड ग्रुप। ये देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप के द्वारा कितनी फिनोमिना एक्सप्लेन होती है। तो अगर आपको इसका सॉल्व करना हो, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आपको आंसर करना हो तो क्या होगा इसका आंसर। ब्लड ग्रुप पहली बार तो एग्जांपल है मल्टीपल एलिज्म का। मल्टीपल एलिज्म का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली एक जीन्स के कितने एलील होते हैं, दो, लेकिन इसके एलील्स टोटल कितने हैं, तीन, आई ए, आई बी और आई नॉट। तीन एलील होने के कारण ये मल्टीपल एलिज्म को एक्सप्लेन करता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपसे क्वेश्चन कभी गलत ना हो। पहला ये फिनोमिना शो करता है, दूसरा ये शो करता है कोडोमिनेंस शो करता है। कोडोमिनेंस का अगर आप देखें तो ये देखिए आई ए है और आई बी है, इसमें ए और बी दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में हम लोग कहते हैं कि सर ये कोडोमिनेंस है। और तीसरा जो शो करता है बेटा वो डोमिनेंस शो करता है, ये देखिए डोमिनेंस शो करता है। तो डोमिनेंस अगर शो करता है तो किस किस को डोमिनेंस शो करता है, आई ए आई नॉट के ऊपर और आई बी आई नॉट के ऊपर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप तीन तरह की फिनोमिना शो करता है, ये मल्टीपल एलिज्म, कोडोमिनेंस और डोमिनेंस, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा इफ एन बराबर थ्री, तो एन बराबर थ्री क्या है, नंबर ऑफ एलील्स है, क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इफ एन बराबर थ्री नंबर ऑफ एलील्स है देन कैलकुलेट पॉसिबल जीनोटाइप। ऐसे सिंपल से पूछेगा कि अगर एफ बराबर एन बराबर थ्री है तो आप जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप कितने हो सकते हैं।
इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर है, मैंने भी आपको एक फार्मूला पढ़ाया कि देखिए भाई, अगर पॉसिबल जीनोटाइप का फार्मूला है, पॉसिबल जीनोटाइप का फार्मूला है क्या बेटा, एन बाई टू एन प्लस वन। ये आपको क्लास ट्वेल्थ में सीखना है, लेकिन मेरा मन है कि आप समय से आगे निकले। आपको जरूरी है ये चीजें सीखना। आप एक कंप्यूटर हैं, आप एक स्टूडेंट नहीं हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्लड ग्रुप में एन बराबर थ्री है, तो इस तरह से आप देखें, यहाँ हो जाएगा थ्री बाई टू, यहाँ हो जाएगा थ्री प्लस वन। ये देखिए, इस तरह से पॉसिबल जीनोटाइप संख्या छह हो जाएगी। ये पॉसिबल जीनोटाइप कितने हो गए? छह हो गए। मतलब ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप की संख्या मैक्सिमम हो सकती है छह। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे फिनोटाइप कितना होगा, तो आप कहेंगे सर चार होगा। फिनोटाइप कितना होगा? चार होगा। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि देखिए, मदर जो है, मैं सीधे क्वेश्चन लिखता हूं, मदर जो है मान लेते ए ब्लड ग्रुप की है, मदर जो है ए ब्लड ग्रुप की है, ये देखिए, फादर जो है ए बी ब्लड ग्रुप का है, मान लेते हैं फादर जो है ए ब्लड ग्रुप का है। मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूं, आप क्वेश्चन करके देख लेंगे फटाफट आपको याद हो जाएगा। उनके जो बच्चे हैं उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे, चाइल्ड्स के ब्लड ग्रुप क्या होंगे बच्चों का? तो माँ ब्लड ग्रुप ए की है, या ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मैंने जल्दी लिख दिया इसको। माँ जो है ए बी ब्लड ग्रुप की है, बच्चा ए ब्लड ग्रुप का है। इसी चीज को अगर आप ऐसे बनाए, अगर आपका इसको आंसर एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ लिखिए ये मदर है, मदर का ए ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। बच्चे और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है। ये देखिए, ये है। अगर इसी चीज को हम लोग जेनेटिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन करें, तो ए बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए और आई बी। ए को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई ए और आई ए। अगर आप इसको पुनेट की स्क्वायर मेथड से बनाएं, जेनेटिक्स में क्लास ट्वेल्थ में आपको पुनेट की स्क्वायर मेथड दिखाई पड़ेगी, आप पढ़ेंगे इस बात को, तो ऐसे आप बना लीजिए, इससे आपको फटाफट याद हो जाएगा। देखिए, अब आप यहां पर लिखिए कि ये मेल का खांचा है, यहां पर ये मेल को एक्सप्लेन करता है, ये फीमेल को। तो फीमेल कौन है, मदर है, ए बी ब्लड ग्रुप की है। तो यहां पर आप ए बी लिखेंगे, इससे दो तरह गैमेट बनेंगे, एक ए बनेगा एक बी बनेगा। ए और बी क्या है, गैमेट्स है, ये गैमेट्स। अगर आप इधर फादर का देखते हैं, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, इससे दो तरह गैमेट्स बनेंगे, आई ए और आई ए। चलिए कैलकुलेट करिए, ये देखिए, पहला बच्चा जो होगा वो ए ब्लड ग्रुप का होगा, दूसरा भी किसका होगा, ए ब्लड ग्रुप का होगा, तीसरा क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, चौथा भी क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप का होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि चार संतानों में इसकी 50% संतानें ए ब्लड ग्रुप की होंगी, 50% संतानें ए बी ब्लड ग्रुप की होंगी। ये देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, टेबल बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक देख लीजिए, ताकि आपके मन में कभी कोई डाउट ना आए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मदर जो है बी ब्लड ग्रुप की है, मदर किसकी है, बी ब्लड ग्रुप की है, बी ब्लड ग्रुप की है, फादर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप का है। ये देखिए, या आप यहां पर फादर ए बी ब्लड ग्रुप को लिख लें, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो आपसे सिंपल सा चार्ट सीधे बना दीजिए, ऐसे चार्ट बना दीजिए। मैं आपको वो टेक्निक सिखा रहा हूं, ताकि आपसे इसके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। मेरा मन है कि आपको ब्लड ग्रुप आ जाए, ताकि आप किसी को अच्छे से सिखा पाए। ये देखिए, ये मेल को एक्सप्लेन करता है, ये फीमेल को। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है, मेल क्या है, ए बी है, और फीमेल क्या है, बी है, तो ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे दो तरह गैमेट्स बनेंगे, आई ए और आई बी। इससे एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, आई बी, और क्या बनेगा, आई बी। देखिए, पहली संतान ए बी ब्लड ग्रुप की, दूसरी संतान बी ब्लड ग्रुप की। तो भाई कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। फिर देखिए, तीसरी जो संतान होगी ए बी ब्लड ग्रुप की, ये देखिए ए बी ब्लड ग्रुप की ऐसे देखा जाता है, और ये देखिए चौथी संतान जो है वो भी बी ब्लड ग्रुप की। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 50% संतानें ए बी ब्लड ग्रुप की होंगी, 50% संतानें किसकी होंगी, बी ब्लड ग्रुप की होंगी। ये है कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो आप फट से इसे सॉल्व कर देंगे।
एक और चाहे आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलील्स आर प्रेजेंट इन कहाँ पे बेटा, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में कितने तरह के एलील्स पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप, तो आंसर क्या होगा? आंसर में मान लीजिए दिया गया कि चार होते हैं, तीन होते हैं, दो होते हैं, पांच होते हैं। टिक कहाँ करेंगे? तीन एलील होते हैं। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप से संबंधित मैंने आपको चार पांच क्वेश्चन करा दिए, और कभी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप इसे फट से सॉल्व कर देंगे।